नासिक में वणी नाम का एक जगह है जहाँ सप्तशृंगी देवी माता विराजमान है। उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। उनके दर्शन के लिए हेलो हाय गुड इवनिंग। आज है सैटरडे और कल है संडे। संडे नवरात्रि शुरू हो जाएगा। मैं तो रोज जाती थी गरबा प्रैक्टिस के लिए। आज लास्ट डे है गरबा प्रैक्टिस का, तो आज मैं जा रही हूँ। आज मैं आप लोगों को भी थोड़ा बहुत झलक दिखा देती हूँ कि हम लोग किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए आप मेरे साथ। चलो बाय 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 बाय। लास्ट डे हाँ, हम लोगों ने 9 days में बहुत एंजॉय किया। और अभी लास्ट डे में हम लोग रेड सारी मस्ती की। हाँ बहुत, आज लास्ट डे है, बड़ा बुरा लग रहा है ना। हम सबके साथ हमारा फोटो शूट है, तो अभी गुरुजी आएंगे। सब लोगों ने रेड पहना है, है ना गौरी? हाँ बहुत अच्छे लगे। 9 दिन सब मिले, एंजॉय किया, है ना। 9 days हम लोग बहुत मिस करेंगे बाद में। सही में मिस करेंगे। और पूरे ईयर हम इस दिन का फिर से वेट करेंगे। हम सब साथ में मिलेंगे और सब गरबा करेंगे, है ना। हाँ जी रसिका, कैसा लग रहा है? लास्ट डे है, बुरा लग रहा है ना? बुरा लग रहा है ना। हमारी ग्रुप है और भी सारे आएंगे ग्रुप्स में, है ना। करेंगे हम लोग गरबा। गुरुजी कैसे हैं? गुरुजी बहुत बढ़िया। आप बढ़िया। ये हमारे गुरुजी हैं, शिवम जी। हाय यामिनी। हाय। और ये है मेरी सबसे गंदी सहेली, सबसे प्यारी प्यारी गम्मा पार्टनर, मटका पार्टनर, गरबा पार्टनर। Oh,
लास्ट डे ये देखो पसीना देख के चल रहा है मैंने कितना ज्यादा किया, उसने कुछ भी नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया, मैंने किया सारा। हम लोग दो तीन जगह जाएंगे। हम लोगों ने कैसा एंजॉय किया? नहीं, बहुत ज्यादा एंजॉय किया। मॉर्निंग वाले बैच में भी दोनों एक साथ मिक्स हुए, एनर्जी लेवल समझना है किसकी ज्यादा है किसी का। रात वाले अगर एक साथ रहते और मजा आता है। ठीक है, चलो एंजॉय किया सबने। नेक्स्ट ईयर इससे और बूम करने वाले हम लोग। अभी तो ये था हमारा गरबा, ये वर्कशॉप था। अभी तो नवरात्र के डांडिया नाइट तो बाकी है, उसमें गरबा खेळा की लय मोठा खेळा। हर जगह नवरात्रि की धूम चल रही है और हम लोग रात को जब निकले तो यहाँ पे ये देखे देवी माता को लाया गया है। नासिक में वणी नाम का एक जगह है जहाँ सप्तशृंगी देवी माता विराजमान है। उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। उनके दर्शन के लिए खासतौर पर नवरात्रि समय में लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। तो ये देखे यहाँ के पंडाल में यह माता का स्वरूप को लाया गया है। आज संडे है, नवरात्रि का पहला दिन। सुबह हमारे सोसाइटी में भी ढोल बाजे के साथ देखे माता का आगमन हुआ है। अब तो 9 दिन तक पूरा रौनक रहेगा। आपको और आपके परिवार को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां और शांति लेकर आए। और इसी शुभकामनाएं के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। देखते रहिए दीपा स्टेल। बाय।